हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉस्मोस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहाँ कहाँ यूजेस हैं, क्या होती है और उसके चार्जेस के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब वो प्रोड्यूस कैसे कैसे हो सकता है वो भी हमने जाना था, और उसके बाद में हमने उसकी यूनिट जानी थी वन कोलम, और उसके बाद में जाना था कंडक्टर्स और इंसुलेटर, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में उसे मैं थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूँ। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट और वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक आने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जब वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट कर दिया था, अब उसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से जो आने में टाइम लगा, मतलब जो वर्क डन करना पड़ा उसी को कहते हैं। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी बहुत ही इजी वे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, और इसका बल्कि डेफिनेशन क्या बल्कि एक फार्मूला भी बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन, उसके बाद में जानेंगे फार्मूला। तो डेफिनेशन जो बनती है इसकी वो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन को अमाउंट ही कहा जाता है। काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि मतलब रेट लगा देते हैं, वर्क डन की कभी मतलब रेट नहीं हो सकती, वर्क डन एक अमाउंट में आ सकता है, इसलिए उसे अमाउंट लगाना है डेफिनेशन में। काफ़ी बच्चे यही गलती कर जाते हैं और नंबर भी कट जाते हैं। तो डेफिनेशन आप जान चुके हैं, अब इसका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला अब इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज वोल्ट, ऐसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। अब इसके इक्वल में एक फार्मूला बनता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू में आपको अरे गलती से ये आ गई थी स्मॉल वी, बल्कि कैपिटल वी ही होती है। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसमें डब्ल्यू हो जाएगा वर्क डन क्यू, जानते ही हैं पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ज की बल्कि यूनिट को कहते हैं क्यू चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब वोल्ट, फिर से भाई वोल्ट आ गया, तो जानते हैं वोल्ट के बारे में। वन वोल्ट, हर चीज़ हम वन वन लेते हैं, तो वन वोल्ट होता क्या है? अब इतनी तो हमें पता है, मतलब एक खुद से अंदाज लगाओ, एक कंडक्टर में ये यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसमें क्या मतलब फ्लो कराया जाए तब वोल्ट प्रोड्यूस होगा, तो मतलब एक तरीके से आइडिया लग सकता है, जब इसमें फ्लो कराया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, और इसमें जो फ्लो कराने में जो उसे मतलब मूविंग कराने में जो वर्क डन करना पड़े, तभी इसे वोल्ट को मतलब हम निकाल सकते हैं। तो एक मतलब आइडिया लेते हैं इससे। सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू वन कूलम चार्ज हो, इसमें वन कूलम चार्ज को फ्लो कराएं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़े वन जूल ऑफ वर्क डन। मान लो वन जूल ऑफ वर्क डन लगाना पड़ रहा है, वन कोलम चार्ज है इसमें, वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक पॉइंट ये मान ले रहे बाहर का, ये एक ये, तो यहाँ से जब वन वोल्ट को फ्लो कराना होगा तो उसके लिए हमें वन कोलम यहाँ पर चार्ज लेना होगा, और वन जूल का इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, तब ये इस पॉइंट तक जाएगा, तो उसे कहेंगे वन वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम पहले भी जान चुके हैं मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल जो होता है मतलब डिफरेंस, उन्हीं को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
सो द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड 1 वोल्ट व्हेन जब 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर उसके लिए हमें ज़रूरत पड़े 1 जूल ऑफ वर्क डन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं तो उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। अब आते हैं एक वोल्ट मीटर को एक इंस्ट्रूमेंट से मीजर्ड किया जाता है वो होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इट इज़ ए डिवाइस, एक तरीके से डिवाइस ही मान लो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर्ड करे। बस इतनी सी बात है, वोल्ट मीटर उसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। डेफिनेशन बहुत ईजी है। ए डिवाइस विच कैन मीजर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब इसे मतलब कनेक्टेड कैसे किया जाता है। सपोज ये वोल्ट मीटर है तो इसके वायर से निकले होंगे। तो एक सर्किट में सपोज ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव ये मतलब फ्लो हो रहा है करंट, तो इसे कनेक्ट कैसे किया जाए। इसे कनेक्ट हमेशा किया जाता है पैरेलल में, मतलब एक बार इसमें लगेगा एक दूसरे में। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इतनी बातें सीख ली। अब एक नया मतलब एक तरीके से नया ही मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है, इसमें कुछ चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उस पर कुछ चार्ज है भाई, ये इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सपोज इसमें कोई चार्ज है, ठीक है, ये इसमें चार्ज होगा। ये एक मेटल वायर है क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो इसमें कुछ वायर्स हैं, ये है वायर और इसमें चार्ज। तो ये मतलब जब फ्लो करने लग जाए तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर में चार्ज है और जब वो मतलब फ्लो करने लग जाए एक सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में फ्लो करें। मान लो ये यहाँ पर चार्जेस हैं तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहलाया जाएगा क्योंकि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, मतलब इसे एक रेट से फ्लो कराया जाए थ्रू ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, आई इससे डिनोट करते हैं। अब आई के इक्वल में एक फार्मूला बनता है। अब फार्मूला इसकी डेफिनेशन से ही निकलता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है एक रेट से, मतलब रेट से कुछ पर्टिकुलर टाइम में, तो अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उससे हम डिनोट करते हैं आई से। तो ये इसका फार्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसमें टी हो जाएगा टाइम और क्यू तो इतनी बार बता दो मतलब चार्ज, क्यू का मतलब चार्ज हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, उसे डिनोट किया जाता है ए से, ऐसे ए से, और मीनिंग भी देख लेते हैं एम्पियर, ये उसकी मीनिंग होती है। अब जानते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होता क्या है। अब इसमें भी हमें क्या आइडिया लग रहा है, डेफिनेशन से अंदाज लगाओ इसमें हम क्या क्या फ्लो करवाएं जब चार्ज मतलब ये 1 एम्पियर प्रोड्यूस होगा। हमने डेफिनेशन में जाना था, मतलब एक हम रेट से फ्लो करा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मतलब इस कंडक्टर से अगर चार्ज को हम फ्लो कराएं
तो एम्पियर प्रोड्यूस होगा। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनेगी कि जब वन कोलम चार्ज हो फ्लो कराएं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए कंडक्टर पर सेकंड, हर एक सेकंड में हम वन कोलम चार्ज फ्लो कराते हैं अगर एक कंडक्टर से, तो प्रोड्यूस करेगा वन एम्पियर का करंट या ड्रॉ करेगा वन एम्पियर का करंट। सो आगे बढ़ते हैं, अब उसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। वन एम्पियर, व्हेन वी सप्लाइड वन कोलम ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन वन सेकंड, एक सेकंड में वन कोलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा देना, वही हो जाएगा, वो प्रोड्यूस करेगा वन एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट को भी एक डिवाइस से मीजर किया जाता है, उसे बोलते हैं एमीटर। एमीटर ये मतलब ऐसी डिवाइस है जिससे हम मीजर द करंट, इससे हम करंट को मीजर कर सकते हैं। सपोज अब इसे कनेक्टेड कैसे किया जाता है सीरीज में, हमने पैरेलल वाले केस में क्या देखा था, वोल्ट मीटर को हम सपोज ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें एक वायर हम सीधा पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे थे, एक वायर हम सीधा नेगेटिव से कनेक्ट किया था। अब सीरीज वाले केस में क्या होता है, सपोज ये एक एमीटर है, इसके ये वायर्स हैं, अब ये एक सर्किट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब क्या होगा, इसे कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये इसके वायर्स हो गए, तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है करंट, ये प्लस वाला हो गया इधर, ये इधर साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये नेगेटिव, तो एक मतलब पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसमें एक डिवाइस होती है बल्कि उसमें ए कुछ डिनोट भी होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ए एम्पियर मीजर कर रहा है, तो ए जैसा कुछ लिखा, इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस केस में हमने क्या देखा था, इसमें हम पैरेलल में मतलब सीधे वायर से टच कर रहे हैं, इसमें बल्कि इसके जो एंड्स हैं उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं वायर से, जैसा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन हो गया। और इसके पास बहुत ही कम लो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे जानेंगे, हाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ जिससे आइडिया लगे, मतलब एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को रोकती है सबसे बढ़िया है, मतलब एक रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, रुकावट बाधा, तो उससे मतलब आइडिया लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में बाधा आना, मतलब रुकावट करना। वोल्ट मीटर के पास बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है और एम मीटर के पास बहुत कम। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहली बात ये जान लो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये एक सर्किट है, हमने बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दी, ये बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब इसमें ये गलती ना करिए करना, ये जो छोटा टर्मिनल हम दिखाते हैं इसे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और ये जो बड़ी लाइन जैसे करते हैं इसे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं जब सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, ये हमने बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर आप बल्ब भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, केवल उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए जो इतने करंट को रोक सके या मतलब कंज्यूम कर ले। तो अब माना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट होती है,
अब मतलब हमें किसी अगर एक की डायरेक्शन पता है तो दूसरे की भी पता अपने आप चल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर से फ्लो होकर फिर इधर और फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब आएंगे तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक इसके अपोजिट मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हमारा इसकी अगर एक दो नंबर में सवाल अगर ये पूछा जाता है तो आप सीधे डायरेक्ट लिख दो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मान लो यही पेपर में दो तीन नंबर में पूछा जाता है तो हमें कुछ इसमें मटेरियल भी बढ़ाना पड़ता है। तो एक लाइन और बढ़ा दो बल्कि इसमें काफ़ी हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें काफ़ी अचीवमेंट हो जाएगा, उससे आपके अच्छे नंबर मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सबसे पहले जानना। अब ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ इसमें काफ़ी चीज़ें और हम डाल सकते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, तो इसे हम सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। ठीक है, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब एमीटर भी इसमें लगा सकते हैं कितना करंट है, तो इसमें यहाँ से मैं हटा के ये एमीटर ये हो गया मीटर, इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो एंड्स हैं वो सीधे वायर्स के टर्मिनल की तरफ हैं और इसके एंड्स किस डायरेक्शन में, इसको बल्कि सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक टर्मिनल पॉजिटिव एंड जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एक नेगेटिव। ठीक, सीरीज और पैरेलल यही अंतर होता है। अब इसमें बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, बल्कि सबसे कॉमन रेजिस्टेंस के तौर पर मतलब बल्ब यूज़ करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम्ड कर सकता है अच्छी मतलब जल्दी। तो अब इसमें क्या हो गया, अब हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, क्या लगा है? सबसे पहले तो पावर सप्लाई देने के लिए एक हमने बैटरी यूज़ की है। अब इसके बाद में एक स्विच यूज़ किया है, स्विच इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन है स्विच, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। एक स्विच हो गया, एक तो हमने फिर रेजिस्टेंस लिया, मतलब रेजिस्टेंस की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बल्ब या कुछ चीज़। अब इसमें वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया, ये मीटर, मतलब हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, और कुछ वायर्स भी ले लिए। तो हमें कुछ डेफिनेशन का आइडिया नहीं लग रहा, मतलब कि ये चीज़ें मतलब इसमें इंक्लूड हो रही हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में जानते हैं। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ मतलब कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। कंसिस्ट्स ऑफ मतलब ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, कंसिस्ट्स ऑफ आप लिख सकते हैं इस सेल और बैटरी, सेल या बैटरी मतलब हमारे अप्लायंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो रेजिस्टेंस छोटा है तो हम केवल सेल यूज़ कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने बैटरी का यूज़ किया है। या अभी इसमें एक बैटरी यूज़ कर ली, तो इसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन बन जाती है एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट्स ऑफ बैटरी
ए स्विच बिटवीन टू टर्मिनल, इनके टू टर्मिनल्स के बीच में, एंड वोल्ट मीटर एंड एमीटर एंड सम रेजिस्टेंस, एंड इट इज़ कनेक्टेड प्रॉपरली, ये हमने कनेक्ट किया है प्रॉपरली, देन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है अपने डायरेक्शन में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब उन्हें एक कैसे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना और ये सब, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेशन भी जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स दिए गए हैं, वो आपके किताब में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, और उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, केवल सिंबल्स हैं, उन्हें आप देख लाना, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे सिंबल्स हैं। अब उन सिंबल्स में कुछ बात ध्यान रखने वाली होती है, एक कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, अब कुछ इस तरीके से एरो का निशान मिलेगा, उसे बोल देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस अब इसे एक और नाम से जाना जाता है, रोस्टोड नाम से जाना जाता है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, और एक बैटरी कम्बिनेशन होता है सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना, सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ पर और अच्छे समझ में आ जाएगा, सपोज ये सेल्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इनका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनका आप सीरीज में अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्हें जोड़ दें, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैं हम सीधे सीधे इनको कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर सीरीज और पैरेलल और अच्छे कंप्लीट होता है। तो बैटरी जो होती है उसे सीरीज में अगर कनेक्ट किया जाए सेल्स को, तभी बैटरी बनती है। अब आते हैं सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब इसके नाम से ही हमें कुछ अंदाजा लग रहा है कि सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, डायग्राम से ही आपकी किताब में भी काफ़ी इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम्स दिए गए हैं, कैसे क्या किसको कनेक्ट करना है, तो सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने की उतनी ज़रूरत, सीधे इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ए डायग्राम विच गिव, ए डायग्राम एक ऐसा डायग्राम जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हो कि अलग अलग कंपोनेंट्स एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट किए जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी सर्किट डायग्राम की। अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम सिंबल्स का यूज़ करें तो उसी को बोल देते हैं सर्किट डायग्राम। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ए डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डज डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सर्किट में कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाएँ, उसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम। सो हम यहाँ तक जान चुके हैं, अब यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।